ऑन करूं लाइट को? हाँ लाइट ऑन करता दिखा दो उनको। सब दिखा दो तो घर से बोलो मशीन से सब दिखा दो प्रॉपर वर्क। गाड़ी पंचर हो गई ठीक है। खाना खाते रहते तो नहीं देख पाते उसको, पता ही नहीं चलता। हाँ पता नहीं चलता हमको, मालूम था कि वो अगर है ना तो दिखेगा जरूर, क्योंकि कई केस में ऐसा हुआ है। उस दिन चार पाँच दिन से लाइट नहीं था यहाँ, मैं यहाँ खास से सोया था और मेरे को चिल्ला रहे थे लोग, गर्जना लौकना चल रहा था, गर्मी था और लोग यहाँ दोनों अपने अम्मा के साथ सोई थी। देखिए हम यहाँ कौन सा गांव था ये? सेलर गांव में हम करीब मेरे 3 से 4 घंटे का हम रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए हैं और एक्चुअल में बिग साइज़ का फीमेल कोबरा था और वहाँ पर करीब हमें 24 अंडे मिले हैं। 24 अंडे से 2 अंडों से जो बच्चे हैं जो ख़राब हो गए हैं सांप, और बाकी 22 अंडे इसके अंदर है और हम चाहेंगे इससे हैच हो जाए और 2 कोबरा मर गया। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि मेन घर वालों को, 5 दिन से घर वाले डरे हुए हैं, उनको हमको इस डर से निकालना है और इस वीडियो को हम कंटिन्यू रखेंगे। अब घर वाले जब भी हमको कॉल करेंगे हम इमीडिएट, चाहे रात के 2 बजे हो चाहे 3 बजे हो, इमीडिएट आएंगे, क्योंकि घर वाले डरे हुए हैं और डरना जायज़ भी है, क्योंकि जिस घर से 24 कोबरा के अंडे निकल सकते हैं और साथ में बिग साइज़ का कोबरा, तो कोई भी दहशत का दहशत में रहेगा। देखिए इस घर से मैंने पहले ही अभी बताया कि 24 अंडे निकले जिसमें से 2 सांप के बच्चे सपोज जब निकल चुके हैं बेबी कोबरा और वो मर गए हैं, क्योंकि खुदाई करने के समय हमसे भी हो सकता है मिस्टेक हुआ हो। तो हमारी कोशिश थी कि हम सांप को भी पकड़ लें, लेकिन करीब हम 4 घंटे की खुदाई में और पूरे परिवार हमारे साथ भिड़े हुए थे, लेकिन हम इस काम में अभी तक सक्सेस नहीं हुए। हम स्टूडियो में कंटिन्यू रहेंगे, हम आगे फिर हमें अगर इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो हम ज़रूर रेस्क्यू करेंगे सांप को। नमस्कार, ये 2 दिन पहले हम यहाँ पर इस घर में आए थे और कोबरा अपने बच्चों के साथ अंडों के साथ बैठी हुई थी, 27 अंडे टोटल थे और हमें करीब 5 घंटा खुदाई के बाद हमें अंडा मिला था लेकिन सांप नहीं मिल पाया था। अभी 2 दिन बाद हमें बताया कि इस जगह पे सांप देखा गया है उस कोबरा को, तो चलिए हम कोशिश करते हैं कि आज वो कोबरा फाइनली रेस्क्यू हो जाए। और इस ईंटे के पीछे हैं बता रहे हैं, अब मेरे को दो उसका लोकेशन। फन खड़ा करवाओ उसका, करवाओ ना तो मैं ले लेती हूँ, उसकी दिक्कत नहीं, अब कहीं भी जाए वो ले क्या चौक बाहर सीधे। पानी मारो, पकड़ तो बेटा मैं मर जाऊंगा, थोड़ा मेरे मुंह को पाटी किया। मेरे मुंह में ये भी रिकॉर्ड हुआ है मालूम। अब अरे यार जाना पड़ेगा, देखो 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 कहाँ जाएगा दोस्त, उसको ले लो मेरे मुंडे, कलर से खींचिए अंदर जा रहा है, कलर से खींचिए, पकड़ लो पकड़ लो, तुम्हारा हाथ बचाओ, मेरा हाथ बचा हुआ है, यहीं बैठा भक्त मारे वहां को आके बैठा है, चलो मुंडी पे लग जाएगा उसको, चलो मैं वो मुंडी में लगेगा उसका धीरे धीरे, हां इधर गिटअप कीजिए, रुक रुक आप कुछ मत रुको, वाला नहीं लगेगा उसको, लगेगा रुको ये वाला क्या कीजिए, ये वाला है उसका सिर, देखो देखो ईटा उसके सिर के ऊपर गिर जाएगा। कुछ मत करिए, कुछ मत बस बस सब कुछ मत करिए,
चल आ जाओ मेरे मुंह के सामने तो यार ये आप लोगों के साथ शुभ नाम आपका क्या है सुंदरलाल सर जी आपके यहाँ पिछले 5 दिन मैंने 7 दिन पहले ये सांप देखा गया था आंगन पे उसके बाद आपने हमें 2 दिन बाद बताया था कि हमारे घर में नाग सांप है तो हम 2 दिन बाद यहाँ जब आए थे और पिछले 5 दिन से घर वाले परेशान थे और एक छोटा सा छेद में वो वीडियो हमारा पहले का बना हुआ है उस वीडियो में हमने दिखाया था कि बिल में बैठा हुआ था और उस समय ये सांप उस छेद से चूहा का बिल था जिसकी वजह से चैनल बहुत बना होता है और वो सांप वहाँ से गायब हो गया था। हमने करीब 4 से 5 घंटे का खुदाई करने के बाद हमें इसके इस फीमेल कोबरा का 27 अंडे मिले थे जिसमें से हमको खुदाई के समय 2 अंडे खराब हो गए थे और वो 25 अंडे हमारे पास हैं और आज फिर 2 दिन के बाद घर वाले हमें बताएं कि वो नाग फिर निकला है और अब मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी क्या फील कर रहे हैं और इतने दिन में इनके क्या हाल था घर वालों का प्लीज लोगों का हालत खस्ता था सर अभी तो अच्छा लग रहा है कि कम से कम दुर्घटना जाएगा आप करके तो मेरे को लगता है कि आप लोगों का नींद हराम था ये 7 दिन 9 दिन से आप लोग सो नहीं पाए होंगे और स्वाभाविक है जिस घर में इतना बड़ा नाग निकले और 27 अंडे निकले नाग के तो स्वाभाविक है किसी का सोना दुबर हो गई क्योंकि एक घबराहट रहता है कि कहीं और सांप ना हो जाए कहीं निकल ना जाए कहीं हम घर वालों को काट ना दे तो आज आप क्या फील कर रहे हैं जब हमने आके रेस्क्यू किया और हम लोग कितने देर में पहुंचे बिलासपुर से रात के 12 बजे आप आधे पौन घंटे में पहुंच गए वैसे तो हमें मिल गया तो ये बहुत खुशी लग रही है। बस हमारा यही उद्देश्य है कि घर वालों को भी बचाना रेप्टाइल को भी बचाना और जो दहशत में जो परिवार है उनके चेहरे में मुस्कान आना चाहिए और वो मुस्कान आप लोगों से मुझे दिखना चाहिए कि अभी क्या फील कर रहे हैं आप लोग अच्छा फील कर रहे हैं जी। चलिए ठीक है अब ये हम ये पिछले 5 दिन से परिवार परेशान थे और हम जब आके खुदाई किए थे करीब 5 घंटा तो घर का बेहाल था मट्टी वाला घर था और ये फीमेल कोबरा करीब 27 अंडों के साथ बैठा था। उस दिन हमने 27 अंडे ले गए थे लेकिन ये सांप कहीं छुप गया था क्योंकि चूहे का बिल था और जिसकी वजह से हमको मिल नहीं पाया था। आज हमें 2 दिन बाद घर वाले डरे सहमे से थे आज हमें 2 दिन बाद हमने बोल के गए थे कि अगर आपको सांप दिखता है जिस समय दिखे चाहे रात के 2 बजे चाहे 3 बजे आप इमीडिएट हमें बताइए हम भागते हुए आएंगे। तो आज हम भागते हुए आधा घंटे से पौन घंटे के अंदर हम बिलासपुर से करीब 15 किलोमीटर दूर आए हुए हैं और मैं आपको स्पेशली बताना चाहूँगा कल सारी रात हम रेस्क्यू किए हैं और सुबह 9 बजे घर आए और आज भी सो नहीं पाए। देखिए आज भी हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोगों की भी जान बचे और जो परिवार डरा हुआ है उसको इस डर से निकालें और इस सांप की भी जान बच जाए। जबकि हर वीडियो की तरह मैं यही कहना चाहूँगा कि स्नेक बाइट में ज़्यादातर हमारे ग्रामीण भाई सांप के काटने का शिकार होते हैं तो वो जब भी सांप काटता है तो झाड़फूंक देसी इलाज करता है तो झाड़फूंक देसी इलाज मत करिए ना किसी को करने दीजिए और ये सिर्फ अंधविश्वास है। आपकी जान कोई बाबा कोई बैगा कोई गुनिया नहीं बचा सकता आपकी जान सिर्फ डॉक्टर ही बचा सकता है और सांप की जहर से बना एंटीवेनम तो और इसको मत मारिए ये हमारे प्राकृतिक के सबसे बड़ा देन है क्योंकि इनके जहर से बहुत सारे लाइफ सेविंग मेडिसिन बनते हैं और इन्हीं के जहर से सांप काटने से जो एंटीवेनम बनता है विषरोधी दवा इन्हीं की जहर से बनता है तो इसको मत मारिए। जब भी आपको ज़रूरत हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी तरह किसी की मदद करते हुए किसी की जान बचाते हुए और किसी डरे हुए परिवार के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान देखने के लिए हम इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू धन्यवाद। तब तक के लिए आप अलर्ट रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए व्यस्त रहिए। थैंक्स।